Assalamualaikum dear students of grade 6. I am Dildar Ali from the Educator Society Campus Shahdadpur. Students, as you know, we had started our first unit and its very first lesson. Our first unit name is Where Will You Now? And its first lesson is Reading Emails. Students, you know, we had read 3 emails. Okay? And now it's time to read our 4th email. Students, for your kind information, it is our last email. Okay, there are only 4 emails in this lesson. We had read 3 emails earlier and now we are going to read our 4th email. So students, listen me carefully. Students, our 4th email we received from Maria, and Maria sent this email to her friend Talha, and Maria is living in Havana, Cuba. Maria is sharing very informative and knowledgeable things to her friend Talha. Now students, listen to me, good things Maria is sharing, Maria is telling to her friend Talha. Maria is telling to Talha that Havana is rich in history and has wonderful architecture, and there is music anywhere. Our people enjoy making rumba music all over Havana. Students, for your kind information, I am telling you that rumba is name of a special type of music. Okay students, rumba is a special type of music, it's a name of music. Okay students, in the streets, inside and outside restaurants, on balconies, in squares, in the shade of trees, anywhere, we love the drums and African rhymes of our Afro-Cuban music. We are proud that it is the most popular in the whole of Latin America. Havana is famous for the huge old 1950s American cars with their metal tail fins. What we still drive, you can see them painted in many different brilliant colors. Cuba is famous too for its manufacture of sugar and fat Cuban cigars. Students, I read our 4th email in front of you. So now I am translating this email in Urdu language. So students, you have to listen me very carefully. Okay? Students, हमारी 4th email जो है वो मारिया ने भेजी है. मारिया जो है एक लड़की है, उन्होंने अपने एक दोस्त तलहा को एक ईमेल भेजी है, और अपने ईमेल के जरिए मारिया ने हवाना क्यूबा, मारिया का जो है वो हवाना क्यूबा से है. मारिया ने हवाना के बारे में तलहा के साथ तलहा को बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है अपनी कंट्री के बारे में, अपनी सिटी के बारे में, कि हवाना क्यूबा में क्या क्या होता है, ये किस लिए फेमस है. ओके, मारिया कहती है कि हवाना जो है ये तारीखी है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तारीखी कंट्री है. तो और इसकी खास बात यह है कि उसके अंदर अजीब किस्म के आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप पुराने दौर में जब चले जाएंगे तो आपको अजीब किस्म के नक्शे देखने को मिलेंगे, और उस नक्कुश की बिल्डिंग्स, उस नक्कुश की बनाई हुई बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स वहाँ पर आज तक मौजूद है. स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर कहा जाता है वो जो हम अपने घर वगैरह बना रहे होते हैं उनके लिए हम नक्शे तलाश करते हैं, तो हम आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होते हैं उनसे रुजू करते हैं, उनके पास जाते हैं, और तो उन्हें हम कहते हैं हमारे घर के लिए नक्शा बना दे, वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स बना के दिखाता है, फिर जो हमें पसंद आता है हम उसी टाइप का जो नक्शा है अपने हाउस के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं. तो हवाना के अंदर आपको मोस्ट वंडरफुल एंशंट आर्किटेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और हवाना के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे आपको म्यूज़िक की आवाज़ आएगी. आप वो म्यूज़िक कहाँ कहाँ सुन सकते हैं? आप म्यूज़िक सुन सकते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बेलकनीज में, स्ट्रीट्स में, और यहाँ तक के जब हवाने के जो दरख्त हैं उसके जो शेड्स हैं उनके जो साए हैं उसके नीचे भी लोग आपको म्यूज़िक बजाते हुए नज़र आएंगे. और हवाने के लोग जो है वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ म्यूज़िक यानी रुम्बा, रुम्बा म्यूज़िक आपको जहाँ के सुनने को मिलेगा. और हवाना वाले जो हैं अपने आप खुद पर, हवाने के लोग जो है वो खुद पर प्राउड करते हैं कि वहाँ पर एक एफ्रो क्यूबन स्पेशल टाइप ऑफ म्यूज़िक है वो बजाया जाता है, जो कि ड्रम्स की मदद से वो लोग बजाते हैं. वो पूरे लैटिन अमेरिका में फेमस है और इस बात पर उन्हें फख्र है. उसके बाद ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाना इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पर 1950s की ओल्ड अमेरिकन कारें आज तक चलाई जाती हैं जिनमें लोग सफ़र करते हैं, और वो बाकायदा वेल कंडीशन में है, और आपको वहाँ पर वो कारें डिफरेंट कलर्स में नज़र आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्यूबा
क्यूबा जो है वो इसलिए भी फेमस है कि एक तो वहाँ पर शुगर मैन्युफैक्चर होते हैं, अपनी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा ये कि वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सिगरेट जिसका नाम है सिगार, वो बनाई जाती है, जो कि दुनिया की वर्ल्ड फेमस सिगरेट है। यानी कि क्यूबा जैसी सिगार जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यूबा जो है अपनी सिगार की वजह से भी, अपनी वो सिगार जो एक सिगरेट का नाम है, सिगार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू शेयर इंफॉर्मेटिव नॉलेज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट लंदन, अबाउट मॉस्को रशिया, अबाउट काठमांडू नेपाल, एंड आल्सो अबाउट हवाना क्यूबा। स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर डायरी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अवर फोर्थ ईमेल एंड देन आल्सो राइट दोज वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड देन सर्च आउट देयर मीनिंग्स टू। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट सून। टिल स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आल्सो शेयर दीज वैल्यूएबल थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।